आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अभी तक अगर आपने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें। ये दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस है, आप प्ले स्टोर में सर्च करें। यहाँ पर आपके लिए दोस्तों हर रविवार और गुरुवार को 2020 टेस्ट सीरीज करवाई जाती है बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो जो भी हमारे साथी इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों वो जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ें, आपको सबसे पहले सेल्फ स्टडी क्लासेस प्ले स्टोर से दोस्तों डाउनलोड करना होगा, फिर इस 2020 टेस्ट सीरीज से आप जुड़ सकते हैं, आराम से टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। और साथ ही दोस्तों अगर आपको कोर्स में एडमिशन लेना है तो जैसे टीजीटी पीजीटी का मॉडल पेपर लॉन्च किया गया 350 में, 3000 प्रश्नों की एक दोस्तों टेस्ट सीरीज है जो मात्र 350 में दोस्तों इसको आप परचेस कर सकते हो। और एक बड़ा कोर्स है दोस्तों हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स जो मात्र आप 1000 में दोस्तों, अभी ऑफर चल रहा है 1000 में दोस्तों आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें आपको हिंदी साहित्य का संपूर्ण अध्ययन दोस्तों यहां पर मिलेगा, ठीक है। प्लस टेस्ट सीरीज रिकॉर्डेड कोर्स और एक और कोर्स लॉन्च हो गया है दोस्तों जो पंजाब मास्टर कैडर वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है ना। एक दोस्तों स्पेशल मॉडल पेपर इनके लिए लॉन्च किए गए हैं, सिलेबस के अनुसार 30 मॉडल पेपर लॉन्च किए गए है ना। और दोस्तों ये 30 मॉडल पेपर में कुल मिला के 4500 क्वेश्चन आपके होंगे। अगर आपने 4500 क्वेश्चन पढ़ लिए तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। मास्टर कैडर वाले हमारे जितने भी साथी हैं वो सभी साथी इस मॉडल पेपर में मात्र 599 में दोस्तों एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और जितने भी हमारे साथी टीजीटी पीजीटी वाले हैं जिनको दोस्तों क्रश कोर्स में एडमिशन लेना है, यानी कि लास्ट के अंतिम दिनों में क्या पढ़ाई की जाए टीजीटी पीजीटी के लिए, ऐसा कोर्स बनाया गया, ऐसे कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है और अंतिम दिनों में दोस्तों बहुत अच्छा अध्ययन करना है, बहुत अच्छी तैयारी करना है, एग्जाम के लिए मजबूती से खड़े होना है, तो इस कोर्स में एडमिशन लेकर के बहुत अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, है ना। करना क्या है, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है और अध्ययन में जुट जाना है। दोस्तों शब्दानुशासन के लेखक कौन है, जल्दी से आपको बताना है। यहां पर शब्दानुशासन के लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल, हेमचंद्र, स्वयंभू या फिर सरहपाद, चार विकल्प हैं दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर आज आपको देना है। आपको आज आपका जो पहला प्रश्न है वो यही है कि शब्दानुशासन के लेखक कौन माने जाते हैं, जल्दी से लिखें और उत्तर आपका क्या हो जाएगा, देखते हैं कौन कौन उत्तर सही बताता है। सबसे पहले राइट आंसर आपको चयन करना है ना। वीडियो को शेयर जरूर कर देना है। और यहां पर शब्दानुशासन के लेखक अगर आपने से पूछा गया है तो बहुत सारे लोगों ने उत्तर भी बता दिया, हेमचंद्र, है ना, हेमचंद्र, यानी कि दोस्तों आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हेमचंद्र के बारे में और एक और प्रश्न बहुत ही प्रसिद्धि से आता है वो आपको बताना है। यहां पर शब्दानुशासन बी नंबर आपने बता दिया, राइट, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, वेरी गुड, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने, चंद्रधर शर्मा, गुलेरी, गणपति चंद्रगुप्त या फिर रामकुमार वर्मा ने। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले जो आचार्य हैं वो कौन है, वो विद्वान कौन है, ये आपको चयन करना है। बताइए रेखा कश्यप जी, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले विद्वान कौन है। और राइट आंसर यहां पर आया है आप लोगों का कि सर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी जो कहा है वो कहा है किसने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, है ना। और यहां पर अगर जुड़ जाता साहित्यक अपभ्रंश को, साहित्यक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, तब आपका उत्तर रामचंद्र शुक्ल होता। और यहां पर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है तो वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। इनकी तीन है ना, आपको पता होगा गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक कौन है दोस्तों, गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक कौन है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाली, क्वेश्चन कई बार आया है प्रश्न क्रमांक तीन में और अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, गोरखवाणी के जो संपादक माने जाते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, फटाफट आंसर बताएं। चौथा क्वेश्चन भी नीचे दिखता है आपके लिए, तो यहां पर गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल, यानी कि एक नंबर आपका बिल्कुल सही है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया, बताइए सभी लोगों को आंसर बताना, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया है। और दोस्तों लाइक जरूर कर देना है, जल्दी से बताइए, ये क्वेश्चन तो कई बार आया है और अपन ने कई बार पढ़ा भी है, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन करने वाले जो विद्वान हैं वो विद्वान कौन से हैं, और आपने कई बार उत्तर भी सही लगाया है कि सर यहां पर लगा दो पुष्टि मार्ग में वल्लभाचार्य,
है ना, एक नंबर आपका बिल्कुल सही है। बल्लभाचार्य हो जाएगा, अष्टचाप की स्थापना किसने की? इस क्वेश्चन में कुछ लोग डाउट्स में आ जाते कभी कभी, है ना, अष्टचाप की स्थापना किसने की है ये आपको बताना है। बताएं, मध्वाचार्य, विट्ठलनाथ, बल्लभाचार्य या फिर सूरदास ने अष्टचाप की स्थापना किसने की है, बताएं। प्रश्न क्रमांक आपका 5 है, अष्टचाप की स्थापना आपको बताना है और सभी लोगों का आंसर आ रहा है अष्टचाप की स्थापना विट्ठलनाथ, बिल्कुल सही। विट्ठलनाथ ने दोस्तों कब की थी? 1565 में की थी, ठीक है, वेरी गुड। 1565 में अष्टचाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने की थी। कविता कौमोदी किसका काव्य संग्रह है? कविता कौमोदी, देखते हैं कौन कौन सही उत्तर बताते हैं। कविता कौमोदी किसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? 4 विकल्प है हमारे सामने, एक तो भारतेंदु जी है ना, राम नरेश त्रिपाठी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर दोस्तों है ना, एक यहां पर वही लिख गया है लेकिन आपको इन्हीं में से बता देना, भारतेंदु या फिर दोस्तों राम नरेश त्रिपाठी। कविता कौमोदी किसका काव्य संग्रह है बताइए? राइट आंसर आपको चयन करना है और सीधा उत्तर आपका जाएगा कि सर राम नरेश त्रिपाठी, कविता कौमोदी, यानी बी नंबर बिल्कुल सही। छायावादी कवियों में सर्वाधिक रहस्य भावना किसमें पाई जाती है? छायावादी कवियों में सर्वाधिक रहस्य भावना किसमें पाई जाती है? महादेवी वर्मा में, निराला पंत या फिर प्रसाद में? सर्वाधिक रहस्य भावना किसमें पाई जाती है? छायावादी कवियों में सर्वाधिक रहस्य भावना आपको चयन करनी है। अच्छा क्वेश्चन है और आपका सीधा उत्तर जाएगा सर, सर्वाधिक जो रहस्य भावना पाई जाती है वो पाई जाती है महादेवी वर्मा, ठीक है। इनका जन्म और बता दो जल्दी से, कब हुआ था महादेवी जी का? सर्वाधिक रहस्य भावना पाई जाती है इनकी, एक रचनीय रचना है दोस्तों रश्मि, जो बौद्ध धर्म से प्रभावित मानी जाती है। क्वेश्चन भी कई बार आया कि कौन सी रचना महादेवी की है जो बौद्ध धर्म से प्रभावित है, यहाँ दोस्तों महादेवी जी रहस्य भावना से प्रभावित हैं। और कभी बाद पूछा जाए कि कौन सा बाद छायावाद से, रहस्यवाद से प्रभावित है, तो तब आपको उत्तर लगाना है दोस्तों रहस्यवाद, है ना। प्रसाद की कामायनी में कितने सर्ग हैं? प्रसाद की कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15, 25, 5 या फिर 12? प्रसाद की कामायनी में सर्ग कितने हैं? कामायनी का रचना काल तो सभी को पता है, ये क्वेश्चन आएगा यहां से 1935, कामायनी से जरूर क्वेश्चन आएंगे 1935। प्रथम सर्ग इसका क्या है? चिंता। अंतिम सर्ग क्या है? आनंद, है ना। कामायनी में सर्ग कितने हैं? 15, यानी ये नंबर आपका सही हो जाएगा, एक नंबर राइट है। व्यक्ति को केंद्र में मानकर कहानी लिखने वाले कथाकार कौन है? कहानी लिखने वाले कथाकार कौन है? अज्ञे, सुदर्शन, जैनेन्द्र या फिर यशपाल? व्यक्ति को केंद्र में मानकर दोस्तों कहानी लिखने वाले कथाकार कौन माने जाते हैं? एक बार लाइक जरूर करना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस से जुड़ जाएं, और जितने हमारे साथी पंजाब मास्टर कैडर वाले हैं उनके लिए मॉडल पेपर लॉन्च हो गया है, वो मॉडल पेपर में एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। और मॉडल पेपर अभी से आप लगाएंगे तो आपका अध्ययन का पता चलेगा और आपके नंबरों का पता चलेगा कि आप कितने गहरे पानी में अभी भी डूबे हुए हैं, है ना। व्यक्ति को केंद्र में मानकर कहानी लिखने वाले कथाकार कौन है ये आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर और सभी लोगों का आंसर आया है जैनेन्द्र कुमार, यानी सी नंबर, ठीक है, जैनेन्द्र कुमार, वेरी गुड। इनका एक दोस्तों इनकी एक रचना है मुक्ति बोध, है ना, मुक्ति बोध, ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, इसकी जैनेन्द्र कुमार की। और व्यक्ति को केंद्र मानकर कहानी लिखने वाले कथाकार भी कौन है? जैनेन्द्र कुमार, यानी सी नंबर। हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है दोस्तों? हिंदी की प्रथम आत्मकथा बताना है, अर्ध कथानक, जीवन चरित्र आत्मकथा या फिर तरुण के स्वप्न? लिखे कमेंट में, हिंदी की प्रथम आत्मकथा बतानी है, यहाँ पर जो विकल्प अनुसार आपको उत्तर लगानी है। जल्दी से सभी लोग बताएंगे प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है ये उत्तर आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है और सीधा आंसर जाएगा एक नंबर, यानी कि दोस्तों इसके रचनाकार कौन है? बनारसी दास जैन, है ना,
यानी ये नंबर हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा ये मानी जाती है दोस्तों, है ना। एक नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी के प्रथम जीवनी लेखक कौन है दोस्तों, निम्न में से बताना आपको, है ना। हिंदी के प्रथम जीवनी लेखक बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्ण दास या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों पहले एग्जाम में, तो बताएं। वीडियो को लाइक भी करना है और दोस्तों अपने मित्रों तक शेयर भी कर देना है। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से जुड़ जाएं और यहां पर आपको बताना है कि प्रथम जीवनी लेखक कौन माने जाते हैं, है ना। ऐसा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री, है ना। मीराबाई की जीवनी इन्होंने लिखी थी दोस्तों, बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री। एक नंबर आपका यहां पर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन्होंने भी ये बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह कौन सा है, अच्छा क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 12 में। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह कौन सा माना जाता है, पद्म पराग, बोलती प्रतिमा, अतीत के चलचित्र या फिर स्मृति की रेखाएं। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह कौन सा है, इसका आंसर आपको बताना है, 12 का उत्तर बताना है। लाइक जरूर करना है अपने मित्रों तक, शेयर करते रहें दोस्तों और इसी प्रकार से जुड़ जाएं। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह आपको बताना है और सीधा आंसर आपका जाएगा पद्म पराग, पद्म सह शर्मा का। एक नंबर, एक नंबर आपने बिल्कुल सही बताया मयंक जी, वेरी गुड। एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है, प्रश्न क्रमांक 13। एक बूंद सहसा उछली की विधा आपको बताना है, ये किस विधा की रचना है, इसका आंसर आपको चयन करना है। उपन्यास है, जीवनी है, यात्रा साहित्य है या फिर कहानी है। एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना मानी जाती है, इसका आंसर बताएंगे। नीरज कुमार जी बताइए, प्रश्न क्रमांक 13 में। टीजीटी पीजीटी के ब्रह्मास्त्र कोर्स में भी आप एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। ब्रह्मास्त्र कोर्स लास्ट 15 दिन, लास्ट के दिनों में अध्ययन, है ना। एक बूंद सहसा उछली और ये क्या है, ये है दोस्तों क्या, यात्रा साहित्य, है ना। ये यात्रा वृतांत है अज्ञे जी का। एक बूंद सहसा उछली, हिंदी में रिपोर्ताज विधा का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 14 में। हिंदी में रिपोर्ताज विधा का जनक शिवदान सिंह चौहान, पदम सिंह शर्मा, परमानंद श्रीवास्तव या फिर नंद द्वारे वाजपेयी। अच्छा क्वेश्चन है, लाइक जरूर करना है दोस्तों आपको। हिंदी में आपको बताना है कि दोस्तों हिंदी में बताइए रिपोर्ताज विधा का जनक किससे माना जाता है, और क्वेश्चन नंबर आपने उत्तर बताया है कि सर शिवदान सिंह चौहान, है ना। और इनका जो दोस्तों रिपोर्ताज है वो कौन सा है, कौन सा है ना, जल्दी से बताओ। हिंदी का प्रथम जो रिपोर्ताज है वो कौन सा है बताइए, और शिवदान सिंह चौहान एक नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। हिंदी में गद्य काव्य के जनक कौन है दोस्तों, गद्य काव्य के जनक कौन माने जाते हैं, और ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किया। ऐप को जरूर डाउनलोड करें, सेल्फ स्टडी क्लासेस सर्च करें दोस्तों आप, है ना। और ऐप आप डाउनलोड कर लेते तो यहां पर दोस्तों आपके लिए फ्री में टेस्ट सीरीज भी चलती है, है ना। 2020 टेस्ट सीरीज एक चलती है और आने वाली भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगी, आगे आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे उनके लिए। तो सेल्फ स्टडी क्लासेस से तो आप आज ही जुड़ जाएं और कोर्स में ज्वाइन भी, कोर्स जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है वो ले सकते हैं। हिंदी में गद्य काव्य के जनक है दोस्तों कौन, राय कृष्ण दास, यानी एक नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नंबर जिन्होंने चयन किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। बंगाल का अकाल रिपोर्ताज के लेखक कौन है, बंगाल का अकाल रिपोर्ताज के लेखक कौन माने जाते हैं, प्रकाश चंद गुप्त, रांगे राघव, प्रभाकर माचबे या फिर प्रकाश बत्ती पाल। बंगाल का अकाल रिपोर्ताज के लेखक कौन है, बंगाल का अकाल रिपोर्ताज के लेखक कौन है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया और ये रिपोर्ताज आपको बताना है किसका रिपोर्ताज है, बताएंगे प्रश्न क्रमांक 16 में। बंगाल का अकाल रिपोर्ताज बताना है तो देखते हैं अजय शर्मा जी बताइए, है ना। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, रिपोर्ताज आपसे पूछा गया है तो रिपोर्ताज में कौन कौन सही उत्तर बता रहा है, बंगाल का अकाल रिपोर्ताज। और दोस्तों ये जो रिपोर्ताज है
ये रिपोर्टाज प्रकाश चंद गुप्त का है। किसका है? प्रकाश चंद गुप्त का रिपोर्टाज माना जाता है। ये नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये रिपोर्टाज पूछा गया है और प्रकाश चंद गुप्त का है, ठीक है, वेरी गुड। सिहावलोकन आत्मकथा के लेखक कौन है? सिहावलोकन आत्मकथा के लेखक आपको बताना है। सिहावलोकन आत्मकथा के रचनाकार कौन है? सिहावलोकन, सिहावलोकन आत्मकथा के रचनाकार कौन माने जाते हैं बताएं। सिहावलोकन आत्मकथा के रचनाकार कौन है दोस्तों? है ना? और यहां पर आपका उत्तर है सिहावलोकन यशपाल, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ये नंबर जिन्होंने आंसर बताया है एक नंबर सही है। कस्तूरी कुंडल बसे किस विधा की रचना है? कस्तूरी कुंडल बसे किस विधा की रचना मानी जाती है? कस्तूरी कुंडल बसे ये किस विधा की रचना है? अच्छा क्वेश्चन है ना? ये मैत्रेयी पुष्पा की रचना है दोस्तों, ये तो आपको पता ही है ना, लेकिन आपको बताना है कि इसकी विधा क्या है। कहानी है, आत्मकथा है, कविता है या फिर निबंध है? कस्तूरी कुंडल बसे ये क्या है ना? और प्रश्न क्रमांक 18 में सभी लोगों ने बताया है कि सर ये आत्मकथा है, और ये आत्मकथा किसकी है? मैत्रेयी पुष्पा, है ना। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा के रचनाकार जो रचना है दोस्तों ये मैत्रेयी पुष्पा की है। यहाँ पर विधा पूछा गया तो आत्मकथा आपको लगाना है, बी नंबर आपको लगा देना है। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजट, समाचार सुधा वर्षण, उदंत मार्तंड या फिर बंग दूत, है ना। यहाँ पर से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र अगर आपसे पूछा गया तो अपन को पता है कि सर हिंदी का प्रथम दैनिक पूछा दैनिक, तो देखते हैं कौन कौन सही उत्तर बताता है ना। मीनाक्षी जी ने उदंत मार्तंड लगा दिया, बहुत बढ़िया। और बताइए और कौन कौन लगा रहा है ऐसे प्रश्न, है ना। कुछ लोग ए लगाएंगे, कुछ लोग बी लगाएंगे, कुछ लोग सी लगाएंगे, और कुछ लोग सी लगा रहे हैं, है ना, बहुत बढ़िया। आज दोस्तों मैं आपको बता दूंगा कि हिंदी का प्रथम दैनिक पूछा गया तो दैनिक क्या है? समाचार सुधा वर्षण है ना। इसका प्रकाशन 1854 में हुआ था दोस्तों, है ना। श्याम सुंदर सेन, श्याम सुंदर सेन इसके संपादक थे, है ना। ये उदंत मार्तंड साप्ताहिक था दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाता कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है तो आप उदंत मार्तंड लगाते, है ना। लेकिन आपसे पूछा जाता है दोस्तों, है ना, सरोज जी ये बंगाल का काल रिपोर्टाज पूछा गया और ये प्रकाश चंद गुप्त का माना जाता है। बंगाल का काल रिपोर्टाज पूछा गया प्रकाश चंद गुप्त का, ठीक है। तो यहां पर हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है तो समाचार सुधा वर्षण आपने लगा दिया, ठीक है। और ये उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है, ठीक है। ये बंगाल गजट आपको पता है भारत का प्रथम समाचार पत्र है, बंगाल गजट हिकी गजट के नाम से जाना जाता है, तो इसको याद रखेंगे। समाचार सुधा वर्षण दैनिक है, ये साप्ताहिक था। बंग दूत ये पत्रिका थी दोस्तों जो 1829 में इसका प्रकाशन हुआ था राजा राम मोहन राय द्वारा, ठीक है। इसको भी अपन को याद रखना है। सारे की सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे बताइए? सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे ये आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 20, महावीर प्रसाद द्विवेदी, चिंतामणि घोष, श्याम सुंदर दास या फिर देवी प्रसाद? सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे बताइए? सभी को बताना है दोस्तों, है ना। ये सरस्वती पत्रिका सबसे पहले काशी से दोस्तों प्रकाशित हुई, है ना, और इसके संस्थापक आपसे पूछा गया तो संस्थापक में आपको दोस्तों यहां पर क्या लगाना है? चिंतामणि घोष, है ना। ये बहुत सारे लोगों ने ए लगा दिया, महावीर प्रसाद द्विवेदी लगा रहे बहुत सारे लोग, बहुत बढ़िया। इनका तो कल्याण हो ही जाना है, बहुत अच्छे से कल्याण होगा जिन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी लगाया है। देखो ये सरस्वती पत्रिका में भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज है दोस्तों, है ना। इसका प्रकाशन हुआ था 1900 में, ठीक है, ये आपका पता चल गया।
इसकी आपसे संपादक नहीं पूछा, इससे आपसे संस्थापक पूछा, यानी कि जो जिसने इनकी दोस्तों स्थापना की, है ना। तो संस्थापक कौन थे? चिंतामणि घोष थे, नंबर एक। दूसरा आपसे पूछा जाता कि इसके संपादक कौन थे, तो संपादक में महावीर प्रसाद द्विवेदी भी थे, श्याम सुंदर दास भी थे, देवी प्रसाद भी थे। लेकिन आपसे पूछा जाता प्रथम संपादक कौन थे, तो प्रथम संपादक दोस्तों यहां पर आपके श्याम सुंदर दास थे, प्रथम संपादक, ठीक है। और दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी कब बने थे, तो ये 1903 में बने थे। कब बने थे? 1903 में, ठीक है। और दोस्तों 1920 के बाद देवी प्रसाद आए थे, 1920। 1903 से लेकर के 1920 तक कौन बने रहे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। 1920 के बाद कौन आ गए? दो देवी प्रसाद आ गए, ठीक है। तो यहां पर आपको याद रखने ना है, सरस्वती पत्रिका के संस्थापक थे चिंतामणि घोष, प्रथम संपादक थे श्याम सुंदर दास, 1903 में संपादक बने महावीर प्रसाद द्विवेदी, 20 तक बने रहे, उसके बाद बने कौन? देवी प्रसाद, ठीक है। इनको याद रख लेना है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, ये भी आपको बताना है। जल्दी से बताओ, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते? गोरखनाथ, मतेंद्रनाथ सरहपा या फिर रामानंद? ऐसा क्वेश्चन आया है दोस्तों, है ना। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते? प्रश्न क्रमांक आपका 21 है, और 21 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तब आपको क्या लगाना है दोस्तों? क्या लगाना है? गोरखनाथ, यानी कि आपका जो एक नंबर है, एक नंबर वो बिल्कुल सही हो जाएगा, गोरखनाथ आपका सही हो जाएगा। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ, ठीक है। ए नंबर, कुतुबन के गुरु का नाम क्या था? कुतुबन के गुरु का नाम क्या था? कबीर, सुंदरदास, शेख बुरहान या फिर रामानंद? कबीर के गुरु का नाम आपको बताना है दोस्त, सॉरी कुतुबन के गुरु का नाम बताना है, है ना। कबीर के गुरु का नाम तो रामानंद था, है ना, लेकिन कुतुबन के गुरु का नाम बताना है। इनकी रचना आपको पता है दोस्तों कौन सी है? मृगावती। इनकी रचना कौन सी है? मृगावती। और इस मृगावती को सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना माना है किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन पूछा गया है ना। और कुतुबन के गुरु कौन थे, तो आपको पता है शेख बुरहान, यानी कि आपका जो सी नंबर है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही। एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें, है ना। और पंजाब मास्टर कैडर वाले सभी, मॉडल पेपर लॉन्च हो चुका है आपके लिए, मॉडल पेपर अभी से लगाना चालू कर दें। जब तक आएगा दोस्तों, जब तक आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, सिलेक्शन लेना चाहते हैं दोस्तों तो तैयारी अभी से चालू करें। उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते? उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक भट्ट लोलट, आचार्य शंकोक, कुंता क्या फिर भामह। उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक आपको चयन करना है। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन बढ़िया है, पूछा जाएगा आपसे। और आपका राइट आंसर यहां पर चला गया सीधा, क्या चला गया? उत्पत्तिवाद के भट्ट लोलट, यानी कि आपका जो एक नंबर है, एक नंबर वो बिल्कुल सही है। ये नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाता है, वेरी गुड, है ना। सनक संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते दोस्तों? सनक संप्रदाय, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डाउट्स वाला क्वेश्चन है, लेकिन आपसे बन जाएगा। सनक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं बताएं? अपन ने दोस्तों पढ़ा है, बहुत अच्छे से मैंने बताया भी है, इसको याद भी करवाया है, आपको चयन करना है। सनक संप्रदाय के प्रवर्तक आपको बताना है, रामानुज है, निम्बार्क है, मध्वाचार है, या फिर दोस्तों रामानंद है। तो चयन करिए और दोस्तों उत्तर बताइए, है ना। और बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, निम्बार्क। कौन माने जाते हैं? निम्बार्क। आपने पढ़ा है दोस्तों द्वैता द्वैतवाद, द्वैता द्वैतवाद, है ना। द्वैता द्वैतवाद के कौन माने जाते हैं? निम्बार्क। निम्बार्क से अपन ने नींबू लगाया था, बोले सर हम तो पड़ोसी को नींबू देत देत थक गए, तो देत देत से द्वैता द्वैत, नींबू से निम्बार्काचार, और पड़ोसी को अगर नींबू ना दो तो पड़ोसी सनक जाएगा, तो सनक संप्रदाय के प्रवर्तक भी निम्बार्काचार, और पड़ोसी को नींबू ना दो तो पड़ोसी सनक जाएगा, सनक से सनक संप्रदाय, नींबू ना दो तो निम्बार्काचार, यानी कि आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। माखनलाल चतुर्वेदी के हित तरंगड़ी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो बताना है आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, कब मिला बताएं? बहुत बढ़िया रौली सिंह जी, प्रश्न क्रमांक 25 में माखनलाल चतुर्वेदी आपको बताना है, जल्दी से बताओ सभी को बताना। माखनलाल चतुर्वेदी के लिए
हेमतरंगणी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1955, 56, 57 या फिर 58। और सीधा आंसर आपका जाएगा कि सर माखनलाल चतुर्वेदी के लिए हेमतरंगणी रचना पर साहित्य अकादमी जो पुरस्कार मिला है वो मिला है कब, कब मिला? 1955, यानी कि ए नंबर 1955 आपका सही हो जाएगा। एक नंबर, भक्ति काल को किसने सबसे पहले स्वर्ण युग कहा? अब ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या उत्तर लगाओगे, देखते हैं कौन क्या उत्तर लगा रहा है ना। मैंने आपको पढ़ाया है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसी सिचुएशन अगर आप बनेगी तो आप उत्तर क्या लगाएंगे बताएं। भक्ति काल को किसने सबसे पहले स्वर्ण युग कहा? मैंने आपसे कई बार बताया है कि दोस्तों स्वर्ण युग और स्वर्ण काल में मतभेद मत समझना, और जब मतभेद एग्जामिनर समझे तो उसको समझ जाना कि इन्होंने मतभेद समझा है। इस क्वेश्चन में कोई मतभेद नहीं समझा स्वर्ण युग और स्वर्ण काल में, इसलिए उत्तर भी आपको उसी के हिसाब से लगाना है। और बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज जरूर होंगे, लेकिन आपको यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले पूछा गया है, सबसे पहले, तो सबसे पहले का जो अर्थ होता है वो अर्थ दोस्तों यहाँ पर ग्रियर्सन है, यहाँ पर ग्रियर्सन है, यानी कि आपको यहाँ पर इस प्रकार से अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपको उत्तर बी लगाना है, ग्रियर्सन लगाना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन नॉर्मल पूछा जाता कि भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा, है ना, तब आपका उत्तर बदल जाता, लेकिन सबसे पहले पूछा गया यानी कि एग्जामिनर आपसे लगवाना चाहता है ग्रियर्सन को, ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत्तर ग्रियर्सन सही होगा, है ना, ये आपको याद रख लेना दोस्तों, यानी कि बी नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। समझना है थोड़ा सा प्रश्न को। हरिदास संप्रदाय को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? हरिदासी संप्रदाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है, श्री संप्रदाय, सखी संप्रदाय, राधा बल्लभ संप्रदाय या फिर सनक संप्रदाय, बताएं। हरिदासी संप्रदाय को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? इतना अच्छा क्वेश्चन है, लाइक जरूर कर लेना। टीजीटी पीजीटी वाले जो भी हमारे साथी हैं वो जुड़ सकते हैं दोस्तों कोर्स में। लास्ट के 15 दिनों में क्या अध्ययन किया जाए, कैसा पढ़ा जाए, क्रश कोर्स आपके लिए बना दिया गया कि 15 दिनों में इस चीजों को पढ़ो, यहां वहां मत भटको। इन चीजों को आप पढ़ लेते हो तो आप मजबूती से खड़े हो पाओगे अपने एग्जाम के सामने, है ना। और दोस्तों यहां पर आपने बता दिया कि सर हरिदासी संप्रदाय को सखी संप्रदाय कहा जाता है, और दोस्तों आपको एक क्वेश्चन और पूछा है, टट्टी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जल्दी बताओ फटाक से। हरिदासी संप्रदाय को सखी संप्रदाय भी कहा जाता है, एक क्वेश्चन आपको बताना है, टट्टी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, जल्दी से कमेंट में लिखो। और निम्न में से कौन सा अष्टछाप का कवि नहीं है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया 28 का, अष्टछाप का कवि कौन सा नहीं माना जाता? नाभादास, सूरदास, कुंभनदास या फिर नंददास, यानी कि 28 में आपको चयन करना है। 28 का प्रश्न आपको बताना है अष्टछाप का। अष्टछाप के बारे में अपन पढ़ते हैं कि सर अष्टछाप की स्थापना तो 1565 में हुई थी, किसने की थी? विट्ठल नाथ ने की थी। अब 8 कवियों का ये अष्टछाप था दोस्तों, है ना, 4 कवि वल्लभाचार्य के, 4 कवि विट्ठल नाथ के थे, लेकिन आपको बताना कि अष्टछाप का कवि नहीं है तो कौन सा नहीं है, देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है, बताइए। और बहुत बढ़िया आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोले सर अष्टछाप का कवि नहीं है कौन, नाभादास, है ना, सूरदास हैं, कुंभनदास हैं, नंददास हैं, नाभादास नहीं है। बोले सर नाभादास तो भक्तमाल के रचनाकार हैं, है ना, नाभादास के गुरु का नाम अग्रदास था। यहाँ पर तो आपका एक नंबर सही हो जाता है, ये नंबर जिन्होंने बताया वो सही है। प्राणचंद चौहान का संबंध किस भक्ति शाखा से है, किस भक्ति शाखा से है, सभी लोग बताएंगे। प्राणचंद चौहान, इनका दोस्तों एक रचना है कौन सी, रामायण महानाटक, कौन सी है, रामायण महानाटक, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, रामायण महानाटक के रचनाकार कौन है, तो रामायण महानाटक, रामायण तो हमारी प्राण है, प्राण है तो प्राणचंद चौहान, है ना, तो रामायण, प्राणचंद चौहान का संबंध किस भक्ति शाखा से है ये आपसे पूछा गया, तब आपको पता है कि सर इन्होंने रामायण महानाटक अगर लिखी है तो रामायण यानी कि राम से संबंधित, तो राम भक्ति शाखा से संबंधित होंगे। एक नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये नंबर जिन्होंने बताया वो बिल्कुल सही है, वेरी गुड। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? रात 10 बजे दोस्तों एग्जाम पार में एक क्लास होती है आपके लिए, रात्रि 10 बजे, तो एग्जाम पार में क्लास जरूर लगाएं, प्रैक्टिस जरूर लगाएं, ठीक है। टिपटॉप यूट्यूब चैनल पर जाकर के दोस्तों कवियों का परिचय देख सकते हैं, है ना, एक एक कवियों का परिचय आपको रोज वीडियो आते हैं,
सेल्फ स्टडी क्लासेस पर भी वीडियो आ रहे हैं। एग्जाम पार में भी दोस्तों आपको हिंदी साहित्य की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोक पंक्ति किसकी है, ये आपसे पूछा गया। देखते हैं कौन कौन यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। कुछ क्वेश्चन कंफ्यूज वाले इसमें डाले गए हैं, है ना। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो गोरखनाथ लगा देंगे, जिनने पढ़ा है वो आंखें बंद करके तुलसीदास लगाएंगे। सी नंबर आपका यहाँ पर तुलसीदास बिल्कुल सही है। शर्मिला शर्मा जी वेरी गुड। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किससे माना है, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना, ये बिल्कुल सही आंसर है। पंजाब मास्टर कैडर वाले सभी सचेत हो जाएं और सभी मॉडल पेपर में एडमिशन लें और मॉडल पेपर लगाएं, है ना। और दोस्तों अपना अध्ययन बहुत अच्छा करें। अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्शन सुनिश्चित हो तो अभी से अध्ययन लगाना चालू करें, अभी से प्रैक्टिस चालू कर दें। और आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना, ये आपसे पूछा गया, तब आप उत्तर लगाएंगे क्या, चिंतामणि। आपको पता है दोस्तों श्याम सुंदर दास ने केशव दास को माना, डॉक्टर नगेंद्र ने केशव दास को माना, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे जिन्होंने चिंतामणि को क्या माना दोस्तों, रीतिकाल का प्रवर्तक माना। आपका उत्तर बी नंबर चला जाएगा, है ना। और नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाए, इतना क्वेश्चन बस पूछा जाए कि रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो आपको यहां पर निसंकोच आपको केशव दास लगा देना है। केशव दास इतना अगर पूछा जाए बस तो केशव दास लगा देना है। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी, प्रश्न क्रमांक 32 में भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी, अच्छा क्वेश्चन है। सभी लोग बताएंगे दोस्तों, शिवाजी ने, छत्रसाल, सोलंकी राजा रुद्रशाह या फिर हरियोध ने। किसी भी एग्जाम की दोस्तों पहले से तैयारी अपन को करनी चाहिए, जब एग्जाम की तारीख आ जाए तभी अपन को बल्ले बल्ले नहीं करना है, है ना। नहीं तो यहाँ भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी, और सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो पहले से अध्ययन करते हैं निरंतर। ऐसा नहीं कि एग्जाम की डेट नहीं आई तो हम नहीं पढ़ेंगे और एग्जाम की डेट आई तो पढ़ने लगे, है ना। और दोस्तों भूषण को कवि भूषण की उपाधि जो दी थी वो सोलंकी राजा रुद्रशाह ने दी थी, यानी सी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। सी नंबर राइट आंसर है। द्विजदेव किस परंपरा के कवि हैं दोस्तों, क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। द्विजदेव मैंने आज ही दोस्तों आपको पढ़ाया था कि द्विजदेव किस परंपरा के कवि हैं, प्रश्न क्रमांक 30 में। कृष्णा परिहार जी बताइए, हिंदी विद, है ना, नंदिनी ठाकुर, द्विजदेव किस परंपरा के दोस्तों कवि हैं, ये आपको बताना है। और यहां पर सीधा उत्तर जाएगा कि जो द्विजदेव हैं ये परंपरा के हैं, तो वो है कौन, रीति मुक्त। रीति मुक्त यानी बी नंबर आपका सही हो जाएगा, है ना। रीति मुक्त जिन्होंने बताया है उनका आंसर सही है। द्विजदेव पूछा है आपसे, यहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं देव में और द्विजदेव में। दोस्तों देव और द्विजदेव में आप कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये देव, देव का वास्तविक नाम था दोस्तों देवदत्त, इनका वास्तविक नाम क्या था, देवदत्त। और द्विजदेव आपको पता है रीति मुक्त कवि हैं, है ना। और दोस्तों जो मानसेह थे, राजा मानसेह, ये द्विजदेव नाम से लिखते थे, और जो देव थे ये रीतिबद्ध थे, देव कवि रीतिबद्ध थे और द्विजदेव रीति मुक्त थे। कंफ्यूज नहीं होना किसने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद मैगजीन की स्थापना की, हरिश्चंद मैगजीन बताइए, द्विवेदी जी ने, भारतेंदु जी ने, मौलवी इकराम ने या फिर बालकृष्ण भट्ट ने। प्रश्न क्रमांक 34 का बताना है। सभी लोग एक बार लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करते रहें दोस्तों, है ना, और जुड़ जाएं इससे। किसने 1873 में हरिश्चंद मैगजीन की स्थापना की, इसका आंसर आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा और उत्तर क्या हो जाएगा, किसने 1873 में हरिश्चंद मैगजीन की स्थापना की। और सभी का अच्छा आंसर आ रहा है कि सर भारतेंदु हरिश्चंद ने। और आपको पता है 1873 में हिंदी नई चाल में ढली, ये किसने कहा था, भारतेंदु जी ने कहा था ना कि 1873 में हिंदी नई चाल में ढली, है ना। ये हरिश्चंद मैगजीन की भी 1873 में भारतेंदु जी, ये भी अपन को याद रखते हैं ना, दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे, है ना। 1850 में जन्म हुआ था। इतिवृत्तात्मकता क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। इतिवृत्तात्मकता किस युग की विशेषता है, प्रश्न क्रमांक 35। इतिवृत्तात्मकता किस युग की विशेषता मानी जाती है, भारतेंदु युग की, द्विवेदी युग की, छायावादी या फिर शुक्ल युग की। ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया, ऐप को जरूर डाउनलोड करना है दोस्तों, है ना। इतिवृत्तात्मकता किस युग की विशेषता है, ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल, काल चक्र की भूमिका में इन्होंने कहा था। और यहां पर राइट आंसर है कि इतिवृत्तात्मकता ये द्विवेदी युग की विशेषता है, है ना। और दोस्तों ये आपका जो बी नंबर है
इसी इतिवृत्तात्मकता के कारण दोस्तों छायावाद का उदय भी माना जाता है ना। किस विशेषता, किस प्रवृत्ति के कारण? तो यहां पर आपका उत्तर तो हो जाएगा द्विवेदी युग की विशेषता है इतिवृत्तात्मकता, यानी कि वस्तु वर्णन, है ना, यानी कि बी नंबर आपका सही है। आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है दोस्तों, यानी कि किस बाद, कौन सा ऐसा दोस्तों युग है जिसमें रहस्यवाद की भावना पाई जाती है, इसका आंसर आपको चयन करना है। वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना, अपने मित्रों तक शेयर कर दें, और इसी प्रकार से दोस्तों आपको अध्ययन करना है आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और मैंने आपको कई बार बताया भी है कि ये क्वेश्चन आता है, और आता है तो आपको याद भी करना है ना। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से जुड़ जाएं, और 36 ये दोस्तों रहस्यवाद से प्रभावित है, कौन सा वाद, छायावाद, और छायावाद में भी सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित है तो वो है कौन, महादेवी वर्मा। जन्म कब हुआ था, 1907 में हुआ था, है ना, ये भी याद रख लेना, महादेवी जी को याद रखना है। और ये छायावाद 1918 से लेकर के 36 का जो काल माना जाता है दोस्तों, वो माना जाता है छायावाद का काल, ठीक है। बी नंबर राइट आंसर, विलोम किस नाटक का पात्र है, प्रश्न क्रमांक 37, विलोम किस नाटक का पात्र है, अषाढ़ का एक दिन, चंद्रगुप्त, अंधा योग, या फिर कोमल गंधार, बताएं विलोम किस नाटक, विलोम का मैंने आपको बताया था, है ना, विलोम किस नाटक का पात्र है, इसका आंसर बताना। सभी लोग लाइक जरूर करें, प्रैक्टिस करते रहे, बहुत सारे वीडियो आपके यूट्यूब पर भी डले हैं, है ना, यूट्यूब पर जाकर के देखिए, प्ले लिस्ट में जाकर के देखिए दोस्तों, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, है ना। और यहां पर आपको विलोम पूछा गया तो आपने लगाया अषाढ़ का एक दिन, बोले अषाढ़ का एक दिन का विलोम क्या हो गया, बोले सर गर्मी का एक दिन, है ना, ये याद किया था अपन ने। अषाढ़ का एक दिन दोस्तों एक कालिदास जी के जीवन पर आधारित माना जाता है, अषाढ़ का एक दिन, इसके रचनाकार कौन है, तो उत्तर होता है मोहन राकेश। ये पूछा जाता है अषाढ़ का एक दिन किसका नाटक है, तो मोहन राकेश का, इसका पात्र दोस्तों विलोम है, ऐसा भी याद करना है। ललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्धि मिली किसको मिली, 38 का आंसर, ललित निबंधकार के रूप में किसको प्रसिद्धि मिली, अज्ञे, सरदार पूर्ण सिंह, विद्या निवास मिश्र, या फिर रामचंद्र शुक्ल, ये आपको बताना है, है ना। और ललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्धि पाने वाले जो विद्वान हैं वो कौन है, इसको बताइए। तो ललित निबंधकार, ललित निबंधकार में से एक क्वेश्चन आता है, निम्न में से बताइए कौन सा ललित निबंधकार है, तो आप कुबेरनाथ राय को जानते हैं, आप हजारी प्रसाद द्विवेदी को जानते हैं, आप विद्या निवास मिश्र को भी जानते हैं, तो यहां पर ललित निबंधकार पूछा गया, तो यहां पर तो उत्तर आपका सी नंबर हो जाएगा। कुबेरनाथ राय भी आपको याद रख लेना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी आपको याद रख लेना है, विद्या निवास मिश्र भी आपको याद रख लेना, ये ललित निबंधकार के रूप में आप जाने जाते हैं, ठीक है, तो इनको याद रखेंगे। राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है, अगला क्वेश्चन 39, राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से जुड़ जाए दोस्तों, फटाफट अध्ययन बहुत बढ़िया तरीके से अच्छी अच्छी ट्रिकों के माध्यम से आपके माइंड में सेट किया जाता है ना, आपके माइंड को दोस्तों बनाया जाता है उस टाइप में कि हमें हिंदी को कैसे पढ़ना है, हिंदी साहित्य को, ऐसे तो आपको पुस्तकों में बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, सब कुछ लिखा है पुस्तकों में, लेकिन याद करने का माध्यम अगर कोई दोस्तों आपके लिए संस्थान है तो वो सेल्फ स्टडी क्लासेस, हजारों रचनाएं आपको क्लास लेते लेते याद होती हो जाती हैं, है ना। तो राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है, तो आपको पता है, बोले दरबार में मेरा लाल बैठा है, इतनी हिंट आपको अगर दी है तो आप उत्तर बता दोगे कि दरबार में मेरा लाल बैठा है, तो लाल से क्या हो जाएगा, श्रीलाल शुक्ल, है ना, ये क्वेश्चन कई बार आया है, राग दरबारी उपन्यास, तो ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। एक नंबर आपका राइट आंसर, निराला के उपन्यास का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 44 का आंसर बताना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना, मेदिनीपुर, महिषादल मेदिनीपुर में इनका जन्म हुआ जाता दोस्तों, है ना, कई विद्वान इनका जन्म मानते 1897, कई मानते 1899, है ना, अनेक अनेक दोस्तों इस इनके जन्म को लेकर के मतभेद है। 1889 में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था, उसके बाद दोस्तों 1897-99 निराला, 1900 में पंत का हुआ था, 1907 में महादेवी वर्मा, 1905 में रामकुमार वर्मा, 1908 में दिनकर, 1907 में महादेवी वर्मा, 1908 में दिनकर जी, फिर 1911 में नागार्जुन अग्गे जी का जन्म हुआ था, 12 में रामविलास शर्मा आ गए थे। इस प्रकार से मैंने कई आपको जन्म ऐसे याद करवाए हैं। और निराला के उपन्यासों में अगर बात करें तो इनका कौन कौन सा आएगा दोस्तों,
इनका आएगा कौन, जल्दी से बताओ कौन सा आएगा, अप्सरा, अलका, निरुपमा, है ना, कौन सा आएगा, अप्सरा, अलका, निरुपमा और प्रभावती, है ना, ये नंबर जो है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही, अप्सरा, अलका, निरुपमा और प्रभावती, एक नंबर जिन्होंने बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सभी लोग इसी प्रकार से जुड़े रहे, वीडियो को लाइक जरूर करना है दोस्तों। सेल्फ स्टडी यानी कि दोस्तों अपनी खुद की स्टडी, है ना, सेल्फ, इसलिए दोस्तों नाम रखा गया अपने चैनल का सेल्फ स्टडी, यानी कि खुद का चैनल, अपना एक परिवार, है ना, ये आपको दोस्तों बने रहना है, अध्ययन करना है। सिर्फ दोस्तों यहाँ पर अपन परीक्षा को टारगेट बनाकर अध्ययन करते हैं। तो हमारे जितने भी साथी हैं, जिनको भी दोस्तों वीडियो को लाइक करना है वो लाइक कर देंगे, है ना, इस 2020 टेस्ट सीरीज से भी आप जुड़ जाएंगे, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री करवाई जाती है सेल्फ स्टडी क्लासेस में, है ना, जुड़े, बहुत सारा फायदा होगा। ये तो आपके लिए एक एग्जाम है दोस्तों, आगे आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे उनके लिए आप सेल्फ स्टडी क्लासेस को याद करोगे, कि जितना भी अगर आपको याद हुआ है ना, वो दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस की मदद से, क्योंकि आपको दोस्तों पोथी बहुत सारी है, बहुत सारी किताबें उठा के अपने पास रख लो, कुछ नहीं होता जब तक आपके माइंड में सेट ना हो, जब तक आपको याद नहीं हो। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद नहीं है तो आप गलत कर देते हो, है ना, वो किताबें काम में नहीं आती, वो बहुत सारा लिखा हुआ आपके काम में नहीं आता, और लिखवाना तो एक रत्ती भी, मैं लिखवाता तो बिल्कुल भी नहीं हूं साथियों, है ना। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पढ़ना है, आपको सिर्फ याद करवाना है, ठीक है। तो लिखने की सलाह बिल्कुल नहीं देते, याद करना है अपन को, है ना। तो जिनको भी दोस्तों इस कोर्स में पीजीटी पीजीटी का मॉडल पेपर आपको दोस्तों क्या करना है, लेना है, तो 350 में, 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज 350 में, ये दोस्तों बड़ा सरप्राइज है आपके लिए, हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स मात्र 1000 में। जिन भी साथियों को लेना हो, टीजीटी पीजीटी जूनियर टेड वाले और पंजाब मास्टर कैडर वालों के लिए, तो एक खुशखबरी आ गई दोस्तों आप लोगों के लिए, एक मास्टर कैडर का स्पेशल मॉडल पेपर लॉन्च किया गया है, स्पेशल मॉडल पेपर, और ये 30 मॉडल पेपर जब कंप्लीट हो जाएंगे तो इसकी पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप में आपको दी जाएगी, है ना। तो जब ये 30 पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तब दोस्तों आपके लिए, तो जिन भी साथियों को इस मॉडल पेपर में दोस्तों एडमिशन लेना है वो मॉडल पेपर में लें, और दोस्तों ये मात्र 599 में 30 मॉडल पेपर, 4500 क्वेश्चन अगर आप साहित्य के पढ़ते हैं तो आपकी निश्चित ही बल्ले बल्ले हो जाएगी। मास्टर कैडर वाले लग जाएं अभी से, और ये ब्रह्मास्त्र कोर्स, अंतिम ब्रह्मास्त्र कोर्स है टीजीटी पीजीटी के लिए, ये कोर्स लॉन्च किया गया आपके लिए 599 में, जिसमें दोस्तों आपके लिए बंपर 15 दिनों में, लास्ट 15 दिनों में क्या अध्ययन करें, क्या पढ़ें, ऐसा कोर्स, है ना, बनाया गया जो आपके लिए परीक्षा के सामने खड़ा कर देगा, और दोस्तों आप परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए ये कोर्स बनाया गया है। तो आप जोड़ सकते हो, मुकनेत जी, दारसु, पूनम जी, मनीषा गिल, अजय शर्मा जी, जयदीप जी, बिल्कुल, है ना, और पूजा सिंह जी, सभी साथी, जितने भी हमारे साथी हैं अपने इस, दोस्तों जूनियर टेट वाले भी जुड़े रहे, जूनियर टेट वाले जल्द ही आपका भी एग्जाम होगा, इसलिए बिल्कुल ठीक है। राज सागर जी, श्याम पंडित जी, बहुत बढ़िया, सभी साथियों को धन्यवाद। गीतिका, अर्षदीप, नीतू जी, गीता, मनीषा जी, और पंजाब मास्टर कैडर का अगर आप मॉडल पेपर देखना चाहते हो तो ऐप में जाइए, ऐप में एक मॉडल पेपर फ्री कर दिया गया है दोस्तों मास्टर कैडर का, आप जाकर के देख सकते हैं, लगा सकते हैं। अशोक जी, अनिल जी, बीनू, अशोक, पूनम जी, लवली ठाकुर जी, सभी साथियों को धन्यवाद, जुड़े रहें, लाइक करते रहें। 10 वाली क्लास को जरूर देखना है और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करना है। सेल्फ स्टडी क्लासेस से आपसे जुड़े रहें, और आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। विनायक दुबे जी, जय हिंद।